हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बायोटिक के एडवांस बायो फ्रूट वाइटिंग डी पिगमेंटेशन 10 रिमूवल फेस पैक का रिव्यू शेयर करूंगी। ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया है एंड बहुत ही अच्छा, और मुझे जो उसके रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। सो पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये हमें प्लास्टिक ट्यूब की पैकेजिंग में आता है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है आप देख सकते हैं। और जो इसकी क्वांटिटी दी हुई है हमें, वो यहाँ पर 100 ग्राम का जो ये ट्यूब है। एंड ये जो आपको जो बायोटिक का पैक है, ये बायो फ्रूट वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल पैक है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% नेचुरल बोटानिकल एक्सट्रैक्ट। सो गाइज, आप तो जानते ही होंगे मैंने काफ़ी सारे बायोटिक के प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया हुआ है। मैं बायोटिक इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये फर्स्टली तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और 100% आयुर्वेदिक होते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रहते हैं कि हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सकता है। बहुत ही बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते और इनके रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। सो गाइज, मैंने इसे अप्लाई किया। मेरी ऑयली स्किन है, पिंपल प्रोन स्किन है, सो आपको ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। मैंने इसे 2 to 3 times अप्लाई कर चुकी हूँ और मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी इन्हें अप्लाई किया। सबको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट था। मैं इसको बता देती हूँ कि जब भी आप फेस पैक अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, सबसे पहले जो एक मस्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमेशा फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करना चाहिए। देन आप उसको हल्का सा, बिल्कुल भी ड्राई मत करिए अपने फेस को, हल्का सा मॉइस्ट रहने दीजिए अपने फेस को, एंड टैप करके अपने फेस टॉवल के हेल्प से अपने फेस को टैप करके पोंछिए। देन ये फेस पैक अप्लाई करिए। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम में तो आपका ये रिएक्शन होगा कि ये कितना ज़्यादा ऑयली है, ये बहुत ही मुझे ऑयली फील करा रहा है। तो एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। जब आप इसे लगाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में तो ऑयली फील होगा, बट लेटर ऑन जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी आपको ऑयली फील नहीं कराएगा। और सबसे जो बेस्ट चीज़ इस फेस मास्क की है वो ये है कि जब आप इसे अप्लाई करते हैं उसके बाद 10 टू 20 मिनट्स ये ड्राई होने में लेता है। देन आप अपने फेस को, जब ये पूरा ड्राई हो जाता है, देन आप उसके बाद हल्का सा अपने फेस पर वाटर लगाइए पहले, फिर अपने जेंटली अपने फेस पे मसाज करिए हल्का सा, देन आप अपने फेस पैक को रिमूव करिए। ये इस फेस पैक के साथ ही नहीं बल्कि अलग अलग फेस पैक्स के साथ भी हमेशा आपको यही स्टेप्स करने चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है जब आप इसे रिमूव करेंगे, वॉश करेंगे तो आपका जो फेस होगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्किन दिखती है आपकी, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। मैंने जब इसे अप्लाई करा था ये बहुत ही अच्छा था। मैंने इसको मसाज करने के बाद वाटर से रिमूव किया, देन उसके बाद मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी स्किन बहुत ही अच्छी, हेल्दी, सॉफ्ट एंड ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज़ थी कि मुझे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी तक मैंने इसे आज ही मैंने इसे ट्राई किया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी 2 to 3 hours हो गए हैं, मैंने अभी तक इसमें नहीं लगाया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका और बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं इसका आपको प्राइस बता देती हूँ, ये हमको 140 rupees में पड़ता है। इसे मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।